दोस्तों क्या आपका भी फोन फॉर्मेट हो गया था या आपका फोन चोर ने चुरा लिया था, तो वही फोन फॉर्मेट या रीसेट या चोर चुराने के बाद वही डिलीट हुए फोटो वीडियो को कैसे आपके फोन में फिर से वापस रिकवर कर सकते हो। तो बस दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखना शुरू से लेकर लास्ट तक, उसके बाद मैं जो ट्रिक बताया ये ट्रिक अगर आपके फोन में करोगे तो 100% चांस है आपके फोन में जो भी फोटो था, जो पहले गैलरी पे फोटो था, वही सारे के सारे फोटो, एक भी फोटो वीडियो डिलीट नहीं होगा, सारा का सारा फोटो वापस आएगा आपके गैलरी पे फिर से। और मैं आपको इस वीडियो में लाइव टू लाइव दिखाऊंगा, मैं पहले फोन को रीसेट करूंगा फिर मेरा फोटो सारा वापस लाऊंगा। तो बस आपको हक बनता है इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों आपको फिर से स्वागत करता हूं आप कहीं से रोशनल एप्स की दुनिया में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई आसिफ। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों मैंने मेरे फ़ोन को रीसेट कर लिया, फॉर्मेट कर दिया था, लेकिन मैंने गलती कर दिया था कि मेरा जितना फ़ोटो था वीडियो था मैंने लेने के लिए भूल गया था। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं गैलरी पे आया, गैलरी पे आने के बाद मेरा एक भी फ़ोटो नहीं दिखा रहा है जो कि 9 एल्बम्स बता रहा है। तो आज मैं यही बताऊँगा, अगर आप भी इसी तरह से कोई भी गलती कर लिया और कोई भी फ़ोटो आपको नहीं मिल रहा है तो मोबाइल फॉर्मेट हो जाने के बाद या रीसेट करने के बाद कैसे वही डिलीट फ़ोटो वीडियो को वापस रिकवर करना है, आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो वीडियो को आपको आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो वीडियो देख रहे हो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर लो और इसके साथ जो बेल है ये ऑल बेल पे दबा के रख दो। और इसके नीचे जो कमेंट बॉक्स देख रहे हो यहाँ पे जैसे दोस्त लोगों ने कमेंट किया तो आपको भी दोस्तों यहाँ पे डिलीट फोटो रिकवरी करके एक कमेंट कर देना है। उसके बाद दोस्तों ये कमेंट कर देने के बाद अभी आपको करना क्या होगा, इसके लिए कोई भी थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, ध्यान से देखो, जो आपके फ़ोन के गूगल क्रोम है गूगल क्रोम पे जाना होगा और गूगल क्रोम पे जाने के बाद आपको बस इस तरफ से नया पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर इस तरफ से गूगल क्रोम पर जाना है और गूगल क्रोम पर जाने के बाद यहाँ पर सर्च और टाइप वेब एड्रेस आता है, तो आपको सर्च और टाइप वेब एड्रेस पर आपको सर्च करना है सिंपली यहाँ पे गूगल, उसके बाद सर्च करना है फ़ोटोज़, गूगल फ़ोटोज़ लिख के बस आपको सर्च करना है, ठीक है। जैसे ही गूगल फ़ोटोज़ लिख के सर्च करोगे तो बस आपको यहाँ पे क्लिक करके ये डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लेना है और डेस्कटॉप साइट को ऑन करोगे तो इस तरफ से आएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो जो कि नीचे यहाँ पे एडिट ऑर्गेनाइज इस तरफ से आएगा, तो इसी एडिट ऑर्गेनाइज पे आपको क्लिक करना होगा और क्लिक कर देने के बाद इस तरफ से आएगा। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा विजिट गूगल फ़ोटोज़, तो आपको इसी विजिट गूगल फ़ोटोज़ पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों एक नया पेज खुल के आएगा जो कि साइन इन, तो आपको करना क्या होगा, जो आपका पुराना मोबाइल था, जो इसी मोबाइल पे जो पुराना अकाउंट था जीमेल का, वो भी अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पे क्या करो, फॉरगॉट ईमेल का ऑप्शन जो देख रहे हो फॉरगॉट ईमेल पे क्लिक कर दो। और जैसे ही दोस्तों फॉरगॉट ईमेल पे क्लिक करोगे तो फाइंड योर ईमेल आएगा, तो यहाँ पे जो आपका फ़ोन नंबर है वही फ़ोन नंबर, आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल दो। तो मैं यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर डाल दिया दोस्तों, फ़ोन नंबर डाल देने के साथ साथ यहाँ पे अभी मेरे फ़ोन नंबर से आएगा, तो यहाँ पे फ़ास्ट नेम लास्ट नेम आपको भी फ़ास्ट नेम देना है, उसके बाद लास्ट नेम दे देना है। फ़ास्ट नेम लास्ट नेम देने के बाद नेक्स्ट कर लेना है और नेक्स्ट कर लेने के साथ साथ आपका अकाउंट पर इसी नंबर पर यहाँ पर सेंड कर देना है, एक OTP वेरिफिकेशन जाएगा। और जैसे ही सेंड कर दोगे गेट ए OTP वेरिफिकेशन, उसके बाद देख पा रहे हो जो कि आपके नंबर पर एक OTP आएगा और वही OTP आपको यहाँ पे डाल देना होगा। देख सकते हो यहाँ पे ये OTP आ चुके हैं, तो मैं डाल देता हूँ। जैसे कि ये OTP है 2122 फिर 20, जैसे OTP डाल दिया, OTP डाल दे, देख सकते हो नेक्स्ट, जैसे ही नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट कर देने के बाद मेरा अकाउंट खुल के आ गया, तो आपका भी आ जाएगा, तो इसमें आपको बस क्लिक कर देना है। और इसमें क्लिक कर देने के साथ साथ यहाँ पे अभी अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करके फिर से आप जो है उसी अकाउंट को फिर से आप लॉगिन कर सकते हो, फॉरगॉट पासवर्ड पे लिंक जाएगा, आपके नंबर पे OTP जाएगा। तो मुझे इसका पासवर्ड याद है तो मैं मेरा इसका पासवर्ड डाल देता हूँ, तो आपको फॉरगॉट पासवर्ड दे के फिर वो कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। फिर मैं लॉगिन नेक्स्ट पे कर लेता हूँ, पासवर्ड दे दिया और नेक्स्ट कर देने के साथ साथ देख पा रहे हो ये लोडिंग हो रहा है और यहाँ पे बता रहा है कि आप एक्सेप्ट करो, तो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ जो कि Redmi 9 है, तो मैं येस इट इज़ मी आपको नोटिफिकेशन आएगा। फिर OTP टू स्टेप वेरिफिकेशन जो आपने लगाया था वो हो जाएगा, हो जाने के बाद आपको यहाँ पे जो कि कंटिन्यू यहाँ पे कर देना है। और जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देने के साथ साथ यहाँ पे देख सकते हो कंटिन्यू आया है, तो कंटिन्यू पे क्लिक कर दो और कंटिन्यू पे क्लिक कर देने के साथ साथ फिर आपका फ़ोन में वेरीफाई करना होगा और वेरीफाई कर देना है आपको।
और जैसे वेरीफाई कर दोगे फिर यहाँ पे हो जाएगा, फिर आपको नॉट नाउ पे क्लिक कर देना है। नॉट नाउ पे क्लिक कर देने के साथ साथ आपको इस तरफ से रुकना है। रुकने के बाद आपके फ़ोन से जितने भी फ़ोटो वीडियो डिलीट हुआ था देखना, वही सारे फ़ोटो वीडियो आपके गूगल की जो फोटोज़ है उसी में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मेरा कम से कम 3000 फ़ोटो था, यहाँ पे देखो सारा का सारा फ़ोटो यहाँ पे दिख रहा है। देखो कितना भी पुराना फ़ोटो क्यों ना हो सारा का सारा फ़ोटो यहाँ पे दिखा रहा है उसी गूगल अकाउंट पे। और आपको यहाँ पे अभी कैसे रिकवर करना है तो आपको करना क्या होगा, सिंपली यहाँ पे टुडे का ऑप्शन मिलेगा, देखो इसी टुडे में आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही टुडे में क्लिक करोगे फोटो सिलेक्ट हो जाएगा 10, उसके बाद यस्टरडे में भी क्लिक कर देना है, उसके बाद 51 सिलेक्ट हो गया तो आपको कम ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरफ से जहाँ पे डेट लिखा है वहीं पे डेट पे सिलेक्ट करना है। जैसे मैं डेट पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखो डेट पे सिलेक्ट हो रहा है। और फिर आपको याद रखना है यहाँ पे अगर आपकी गैलरी पे 3000 फोटो था या 4000 फोटो था तो एक बार में रिकवर मत करो, हैंग हो जाएगा। पहले आपको 300 400 500 तक रिकवर करो, वो 5-6 बार में सारा फ़ोटो रिकवर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 100 फ़ोटो सिलेक्ट किया तो मैं कम से कम 300 तक फ़ोटो सिलेक्ट करता हूँ। जैसे यहाँ पे डेट आएगा बस आपको डेट पे क्लिक करना है, और डेट पे क्लिक करोगे तभी जाके फ़ोटो एक साथ में क्लिक होगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो तो इसी तरह से आपको डेट पे सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। और दोस्तों जैसे ही मैं डेट पे सिलेक्ट किया अभी देख सकते हो टोटल फोटो सिलेक्ट हुआ 351, जो कि लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे दिख जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या होगा, 300 से 400 करके एक बार में रिकवर, उससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 फुल स्टॉप दिखेगा तो 3 फुल स्टॉप में आपको क्लिक करना होगा। कर देने के बाद यहाँ पे मिल जाएगा डाउनलोड, तो आपको इसी डाउनलोड पे क्लिक कर देना होगा। और इसी डाउनलोड पे जैसे दोस्तों आप क्लिक कर दोगे ना, डाउनलोड पे क्लिक कर देने के बाद नीचे देख पा रहे हो जो कि प्रिपेयरिंग टू डाउनलोड 351 आइटम्स, तो आप जितना सिलेक्ट करोगे उतना यहाँ पे होगा। उसके बाद डाउनलोडिंग 351 आइटम्स, उसके बाद देख पा रहे हो तो डाउनलोडिंग अगेन पे क्लिक कर दो, फिर यहाँ पे डाउनलोडिंग फाइल दिखाएगा तो डिटेल्स पे क्लिक कर दो। कर देने के बाद आपके फ़ोन की जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 202 MB दिखाया, क्योंकि मेरा जो फ़ोटो है फ़ोटो का साइज़ ओरिजिनल 2 MB 3 MB 5 MB तक है, तो आपका भी यहाँ पे MB थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए आप जो है यहाँ पे सिलेक्ट करो डाउनलोड होने देना, अगर आप चाहते हो कि सारा फ़ोटो रिकवर हो तो आपको ये करना है। उसके बाद आपको मैं लास्ट में बताऊँगा ये मेरे पास कैसे हुआ, अगर आप लास्ट तक नहीं देखोगे तो आप डाउनलोड करने के बाद कुछ नहीं कर पाओगे, इसीलिए ध्यान से देखते रहो। तो ये आपको करना क्या होगा, पूरा डाउनलोड होने देना है, डाउनलोड हो जाएगा फिर आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस बाहर आ जाना है। फिर आप गैलरी पे जाके देखो, अभी भी कोई भी फोटो नहीं दिखेगा, नो एल्बम दिखाएगा, कोई भी फोटो नहीं दिखेगा। तो आपको यहाँ पे और एक काम करना होगा जो आपका माई फाइल्स करके दिखेगा, आपको माई फाइल्स पे जाना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आर्सिप्स करके एक सेटिंग मिलेगा, देखो आर्सिप्स फोल्डर, तो इसी आर्सिप पे क्लिक करना होगा। उसके बाद जो भी आपने डाउनलोड किया यहाँ पे मिल जाएगा, तो इसी में आपको क्लिक कर देना होगा। कर देने के बाद यहाँ पे देख सकते हो एक्सट्रैक्ट टू पेरेंट फोल्डर, फिर सिलेक्ट फोल्डर, तो आपको सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करना है। कर देने के बाद यहाँ पे आपको एक नया फोल्डर बना सकते हो, नहीं तो यहाँ पे पिक्चर्स का फोल्डर मिलेगा। मिलने के बाद एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक कर देना होगा, फिर एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक कर देने के बाद जितने भी फोटो होगा वो एक्सट्रैक्टिंग होगा, मतलब कि वो जिप फाइल से एक्सट्रैक्ट फोटो पे जाएगा। उसके बाद ये हो जाने के बाद ये सारा का सारा फोटोज पे आएगा। उसके बाद आपको बैक कर दो, फिर फोटोज पे जाओ, जाने के बाद देखो जो फोटो नहीं दिख रहा था एक भी, अभी देखो कितना फोटो रिकवर किया 351, और सारा का सारा फोटो मेरा पुराना फोन की गैलरी की सारा का सारा फोटो आ चुके हैं। ये कोई भी फेक नहीं है, देखो जितने भी फोटो था ये देखो 351 फोटो एक क्लिक में मैंने लाया। लेकिन अभी रुको, स्किप मत करो, यहाँ पे अभी मेरे को आधा फोटो आया, मेरा फोन में लगभग 2000 से ऊपर फोटो था। तो जो मैंने प्रोसेस बताया आपको गूगल क्रोम पे जाके, इसी में जाके जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको फोटो को पहले सिलेक्ट करके जहाँ जहाँ से सिलेक्ट किया बस डेट सिलेक्ट करके वही फिर से दोबारा वही से सिलेक्ट करके इस तरह से डाउनलोड करते फिर से दोबारा रिकवर करना है। लेकिन ये जो हुआ है ये कब होगा आपके फ़ोन में, अगर आपने शुरुआत में जो आपके फ़ोन में फोल्डर होता है, देखो यहाँ पे गूगल करके एक फोल्डर होगा और इसी में एक फोटोज़ ऐप होगा, और इसी फोटोज़ ऐप में जो आपका यहाँ पे आपका ईमेल है, आपका ईमेल जैसे सिलेक्ट करोगे तो टर्न ऑन बैकअप आपको रखना होगा, और टर्न ऑन बैकअप पे रखोगे तभी जाके आपको दोस्तों ये काम करेगा। और फिर आपको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे बैकअप देख सकते हो, जो कि यहाँ पे फिर फोटो सेटिंग पे जाके ये जो बैकअप है बैकअप पे क्लिक करके ये बैकअप ऑन करके रखना होगा। और अगर आपका लॉक अच्छा है कि बैकअप ऑन था तब जाके सारा फ़ोटो आपको मिल जाएगा।
तो ये इसी तरह से सारा डिलीट हुए फोटो को रिकवर कर सकते हो। दोस्तों जैसे कि अभी मैंने आपको लाइट टू लाइट दिखाया, बिल्कुल इसी तरह से इसी सेटिंग से जो मैंने ट्रिक बताया, इसी तरह से आप एक बार की जगह दो बार देखो वीडियो को, फिर आपको समझ में आएगा। और इसी तरह से आप डिलीट हुए फोटो को मोबाइल फॉर्मेट होने के बाद भी वापस ला सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो से थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साथ जो बेल है ना वो ऑल बेल पे दबा के जरूर रख देना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहो, जय हिंद।